पाँच साल में आज दिखा है, ये कह रहे हैं ग्रामीण और वह भी रोहतक लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा को। अब लगता है कि किसानों को हल्के में लेना भाजपा को भारी पड़ रहा है। चुनाव का दौर शुरू हो गया है और नेता जनता के बीच वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान किसानों से बीजेपी के दिग्गज नेता किनारा कर रहे थे, मांगों को अनसुना कर रहे थे। अब उन नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान विरोध झेलना पड़ रहा है। अब रोहतक लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी अरविंद शर्मा को ही देख लीजिए, जब यह वोट मांगने के लिए गांव सुदराना में पहुंचे तो ग्रामीणों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं तो भाजपा के सभी 10 प्रत्याशी जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में 5 अप्रैल की शाम को अरविंद शर्मा कोसली क्षेत्र के सुदराना में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ हल्के के विधायक लक्ष्मण यादव भी मौजूद रहे। जैसे ही उन्होंने सभा को संबोधित करना शुरू किया तो ग्रामीणों ने उनके विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि सांसद महोदय, चुनाव जीतने के बाद आप 5 साल बाद दर्शन दे रहे हैं और जमकर खरी खोटी सुनाने लग गए, जिसके चलते अरविंद शर्मा को वापस लौटना पड़ा। बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ अरविंद शर्मा को विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि भाजपा के कई नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। पहले सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अशोक तंवर को भी कई गाँव में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद एक एक करके खबर सामने आई। हिसार से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला को भी किसानों ने काले झंडे दिखाए। इतना ही नहीं, किसानों ने सीएम सैनी के खिलाफ भी रतिया में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे में चुनाव से पहले भाजपा की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।